बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नासिर कलीम एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हमने एक्सरसाइज 10.1 देखी है, उसके दो तीन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में हमने डिफरेंट एंगल्स कैलकुलेट करवाने हैं। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर फोर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें देखते हैं हमें फिगर गिवन है इस टाइप की, और हमें यहाँ पर ए जो एंगल है उसकी वैल्यू फाइंड करवानी है। हमने फिगर बनाई जो कि बुक में गिवन है, उसके मुताबिक हमने खुद से इसे नेम दे दिया है ए बी सी डी ई एफ। अब हमने देखा कि एक एंगल ये बन रहा है यहाँ पर ए बी सी जो कि ए डिग्री है, इसी तरीके से सी बी डी है जो कि राइट एंगल है बीम के 90 डिग्री का है, और डी बी ई है उसकी भी मेजरमेंट ए है, और लास्ट वाला एंगल है ई बी एफ उसकी भी मेजरमेंट ए। तो इस फिगर में देखें ये वाला पार्ट कट कर दिया गया है जो कि 90 डिग्री के इक्वल। वैसे अगर देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे हमने ए एफ का नेम दिया हुआ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर हम सेमी सर्कल बनाएं तो वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। अगर मैं घूमने ये जो हाफ सर्कल है मीन सेमी सर्कल है तो ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब ये वाला पार्ट तो कट हो गया, क्योंकि ये देख लें फिगर से ही शो हो रहा है कि सी बी डी जो है ये 90 डिग्री है। सी बी डी जो है हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए कि हमें जो एंगल ए है उसकी वैल्यू मिल जाए। अब हम जानते हैं कि अगर हम एक सब एंगल को सम में लिखें तो वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम लिखते हैं वी नो दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी, ए बी सी जो कि ए के इक्वल था। इसी तरीके से मेजरमेंट ऑफ एंगल सी बी डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी बी ई प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ई बी एफ, हमें इन सब का सम लेना है तो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। 180 डिग्री के इक्वल आएगा ए बी सी, ए के इक्वल था ये वाला 90 के इक्वल है, ये भी ए के और ये भी ए के, तो आ गया ए प्लस 90 डिग्री प्लस ए प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री। ए थीटा का है ए प्लस ए तो ये आ जाएगा 3a प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3a जो 90 का इलाका मैच हो जाएगा बाकी बच जाएगा 90, 3a इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू 90 ओवर 3a आ जाएगा आपके पास 70 डिग्री। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने फिगर को देखा, फिगर को देखते हुए हमने नेक्स्ट प्रोसेस किया इसका कि ये सेमी सर्कल है। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं सब में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और कुछ एंगल गिवन है, कुछ पार्ट उसका मिसिंग, जो मिसिंग है वो हमने फाइंड करवाना है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है एंगल 180 डिग्री का होगा, जो एंगल गिवन है वो वाला 180 से माइनस हो जाएगा, बाकी जो बचेगा जो मिसिंग था वो आ जाएगा कि वो वाला एंगल इतने का इक्वल है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये किया और ए की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें ये गिवन है कि एक प्लेन में एक पॉइंट है, उस पॉइंट में से 3 लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर 3 लाइंस क्रॉस कर रही हैं। अगर हम इसकी फिगर बनाएं, मैं ये कहता हूं कि ये मेरे पास प्लेन है, तो ये मैंने कहा कि ये प्लेन है और इस पर पॉइंट ये। अब वो ये कहता है कि इस पॉइंट से 3 लाइंस क्रॉस कर रही हैं, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, इसी तरीके से हमने एक लाइन और भी क्रॉस करवानी थी। इक्वल डिस्टेंस पर हमने 3 लाइन क्रॉस करवानी है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है एक्स वाई प्लेन है, पॉइंट हम इसको ओ का नेम दे देते हैं और इसमें से 3 लाइन पास कर रही है, उनको मैंने नेम दिया है L1, L2 और L3 का, ठीक है, L1, L2, L3 ये हमारे पास 3 लाइन है। और इक्वल डिस्टेंस पर ये देखें, ये एक दूसरे इक्वल डिस्टेंस पर है, और देखिए जैसे ही एक पॉइंट से क्रॉस करती हैं तो बीच में एंगल्स बनते हैं जिन्हें हमने नेम दिया है X1 का, X2 का, X3 का, 4, 5, 6 का रेस्पेक्टिवली हमने इनको नेम दे दिया। अब ये भी पता है कि इनके दरमियान में डिस्टेंस इक्वल है तो X1 X2 के इक्वल होगा, X2 X3 के, X3 X4 के, X4 X5 के और X5 X6 के, इट्स मीन कि ये सब आपस में इक्वल होंगे। हमने क्या करवाना है, हमने ये करवाना है कि अगर 3 लाइन्स थी प्लेन में एक पॉइंट में क्रॉस करी एक दूसरे को, तो वो प्लेन को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करवाएंगे, तो हर एंगल जो बनेगा
उसकी वैल्यू कितनी आएगी ये हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन में लिखते हैं, फिगर में देखें, फ्रॉम फिट एल वन एल टू एल थ्री, L1, L2 और L3 आर थ्री लाइन्स पासिंग थ्रू कॉमन पॉइंट। हम इसको कह देते हैं ये वाला जो हमारा पॉइंट इसको O है, इस O पॉइंट से पास कर रही है। एंड एंगल्स बिटवीन दीज लाइन्स आर, और इनके दरमियान में जो एंगल्स हैं वो है X1, X2, X3, X4, X5 और X6, ये वाले एंगल्स हैं रेस्पेक्टिवली एंड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। नो टोटल एंगल्स इन कंप्लीट प्लेन। अब हमें पता है कि अगर एक कंप्लीट प्लेन हो, ठीक है, एंगल्स का सम लेते जाए तो 360 डिग्री के इक्वल होता है, तो वो तो आगे 360 डिग्री के इक्वल, और इनका सम लें, मैंने पहले कहा था X1 X2 के इक्वल है, X2 X3 के इक्वल है, X3 X4 के, X4 X5 के, X5 X6 के, ये सब आपस में इक्वल हैं, इनका सम ले लें और इन सब को x से डिनोट करवा दें तो आएगा 6x, ठीक है, 6x इज इक्वल टू 360 डिग्री, 6x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये इस तरीके से आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 360 डिग्री और x इज इक्वल टू आ जाएगा 360 डिग्री ओवर 6, इस तरीके से 360 डिग्री ओवर 6। अब डिवाइड करवाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखें 360 को मैंने 6 पे डिवाइड करवाया तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ठीक है। अब ये तो है डिग्री में, असल में आप ये क्यों बने कि आप राइट एंगल में इसको लिखें, इसको कन्वर्ट करें राइट एंगल में, तो किस तरीके से राइट एंगल में इनके 90 के एंगल में। अब अगर हम इसको रेडियन में चेंज करें जो कि इसकी दूसरा यूनिट है एंगल का, डिग्री एक डिग्री होता है दूसरा रेडियन होता है, तो 6 डिग्री पाई ओवर 3 के इक्वल होता है, पाई 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो 180 डिग्री को अगर 3 पे डिवाइड करें तो 60 डिग्री आ जाएगा। अब मैंने x को पहले रेडियन में लिख दिया, रेडियन में लिखने के बाद मैंने इसको लिखा था राइट एंगल में, तो राइट एंगल पाई ओवर 2 के इक्वल होता है जो कि 90 डिग्री होता है, पाई 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो ये देखें यहाँ पर तो मैंने राइट एंगल लिखा हुआ है जो कि पाई ओवर 2 है, मैंने बनाना पाई ओवर 3 है, पाई ओवर 2 है तो 2 ओवर 3 कर देता हूँ ताकि जब ये कटिंग हो तो मेरे पास फिर से वही पाई ओवर 3 बनना चाहिए जो कि आ गया है। तो आज का लेक्चर देखें, इसमें हमने 2 क्वेश्चन किए, बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से हैं, बहुत ही आसान है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर है, अगर किसी पॉइंट पे आप प्रॉब्लम है आपको तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।